खगड़िया में महज 20 मिनट में ही दो जगह 2.5 लाख रुपये की हुई छिनतई। खगड़िया में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस प्रशासन को खुलेआम चुनौती दी। खगड़िया में दो अलग अलग घटना घटी। पहली घटना राजस्थान होटल के समीप से 1.5 लाख की छिनतई। दूसरी घटना JNKT स्कूल के पास एक व्यक्ति से 90,000 रुपये की छिनतई। त्यौहार के समय कोढ़ा गिरोह फिर हुआ सक्रिय। खगड़िया में दिन दहाड़े 1.5 लाख रुपये की छिनतई। थाने में महज 100 मीटर के दरमियान में घटना को अंजाम दिया गया। शहर के राजस्थान होटल के समीप एक व्यक्ति से 1.5 लाख की रुपये की छिनतई कर बदमाश फरार हो गया। पूरी घटना टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर के राजस्थान होटल के पास की। दोनों घटनाएं टाउन थाना क्षेत्र का। BNP न्यूज़ के लिए खगड़िया से संजीव कुमार की रिपोर्ट। 100 रुपया निकाले 90,000 आज, और रुपया निकाल करके हेलमेट जो है ना, हेलमेट का लॉक टूटा हुआ था शीशा, तो फिर चलो उस पार में लगा लेंगे जहाँ से हेलमेट लिए थे। JNKT के पास गेट के सामने सामने है दुकान, उसी पर मतलब उसको पूछने लगे। हम जो है गाड़ी पर हाथ धर के बैठे हुए थे, दूसरा चाबी लगा के दिखी से निकाल लिया। कौन से बैंक से? 1,43,000 रुपया निकाल के चले घर के लिए भदास। उसके बाद SDO रोड कालीबाड़ी के जो घुसते हैं उसी जगह 3 लड़का खड़ा था बाइक लगा के, 2 लड़का बाइक पर था, एक खड़ा था। तो मेरे हम मेरे पेंट ससर दादा हम ऊपर करके हाथ में बैग में पैसा था लपते हुए। उसके बाद छीना छोड़ी किया, छीन के भागा, उसके पीछे हम भी भागे। प्रकाश टॉकीज के पहले ही हम चिल्लाते रहे वहाँ तक, कोई लोग उसको कुछ नहीं रोका, उसका कुछ कहीं नहीं, भागते रहा। हम सागर मल चौक तक आए, उसका पता नहीं चला कौन रूप से निकल गया। कितने लोग थे कुछ समझ में आया? 3 आदमी था। कितना लिया आपने? 1,45,000। क्या नाम है, आप क्या करते हैं? मेरा नाम मनोज।